इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर इमेजेस को बाइनरी में कैसे समझता है। इमेजेस हर जगह मौजूद हैं और आजकल के ज़माने में हर कोई बहुत सी तस्वीर या इमेजेस ऑनलाइन पोस्ट करता है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसी कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट या ऐप देख लें, आपको बहुत सी तस्वीर दिखेंगी। ये इमेजेस आपके कंप्यूटर के अंदर ज़ीरोज़ और वंस की शक्ल में स्टोर होती हैं, लेकिन आपको ये स्क्रीन पर कलर्स की मुख्तलिफ तरतीब में दिखती हैं। ये सब कैसे होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे इमेज डिस्प्ले करता है? किसी भी इमेज को लेकर ज़ूम इन करें और ज़ूम इन करें, थोड़ा और ज़ूम इन करें। एंड में आपको अपना इमेज नहीं बल्कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिखेंगे। इन बॉक्सेस को पिक्सल्स कहा जाता है। आपकी स्क्रीन पर ये मॉनिटर पर एक पिक्सल तीन कलर्स की छोटी लाइट से बनता है, एक लाइट रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू। रेड, ब्लू और ग्रीन बेसिक कलर्स हैं और इनको मिलाकर कोई भी कलर बनाया जा सकता है। इन तीनों कलर्स की अलग अलग मकदार इस्तेमाल करके पिक्सल्स का कलर चेंज हो सकता है। कंप्यूटर हर पिक्सल का कलर नंबर्स की शक्ल में स्टोर करता है। हर पिक्सल के लिए तीन नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। एक रेड की मकदार बताता है, एक ब्लू की मकदार बताता है और एक ग्रीन की मकदार बताता है। इन्हें हम RGB वैल्यूज़ कहते हैं। इन तीनों नंबर्स की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। ये वैल्यू 0 से 255 के दरमियान इसलिए होती हैं क्योंकि हर बेसिक कलर 8 बिट्स से बनता है। 8 बिट्स में सबसे छोटा नंबर 0000000 है, जो डेसिमल में 0 बनता है, और 8 बिट्स में सबसे बड़ा नंबर 1111111 है, जो डेसिमल में 255 बनता है। इस वजह से तीनों बेसिक कलर्स रेड, ग्रीन और ब्लू की 256 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर पिंक कलर की RGB वैल्यू रेड की मकदार 255 है, ग्रीन की मकदार 192 है, जबकि ब्लू की मकदार 203 है, क्योंकि एक कंप्यूटर सिर्फ 0 या 1 की ज़बान को समझता है, कंप्यूटर के अंदर ये तीनों कलर्स इस तरह लिखे जाएंगे। इस तरह हर कलर की एक मखसूस RGB वैल्यू होती है। इमेज हो या कोई भी दूसरी चीज़, आपकी स्क्रीन पर पिक्सल से डिस्प्ले होती है, चाहे वो टेक्स्ट हो, गेम हो, वीडियो हो या आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन ही क्यों ना हो। अगर आपको स्क्रीन पर लेटर ए दिख रहा है तो ये आपको देखने में टेक्स्ट लग रहा है। दरअसल ये टेक्स्ट अलग अलग पिक्सल्स की फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है। पिक्चर्स बहुत सारे पिक्सल से बनती हैं। हर पिक्सल RGB वैल्यू से बनता है। इस तरह बस पूरी इमेज RGB वैल्यूज़ की सीक्वेंस से बनती है और ये आपके कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में स्टोर होती हैं।